होशियारपुर पुलिस ने एक ऐसे नशा तस्कर गिरोह को पकड़ा है जो बड़े फिल्मी अंदाज में नशे के कारोबार को अंजाम दे रहा था। वह लोग नाके के दौरान पुलिस को चकमा देकर पिछले लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते, जबकि पुलिस हाथ मलती रह जाती। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को 1 किलो हेरोइन व कार के साथ पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1 करोड़ के करीब बताई जा रही है। दरअसल वह लोग श्रीनगर से कार के रास्ते आते और उसे पार्क करने के लिए बस में सवार हो जाते, जिससे वह उन लोगों को नाकाबंदी पार्क करने में आसानी हो जाती। ये अपना कारोबार कई महीनों से चला रहे थे। इस पर पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि ये लोग एक बार फिर से श्रीनगर से हेरोइन की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने योजना तहत तरीके से अपनी टीम गठित की और जुट गई, जिसे पुलिस ने सुनिश्चित जगह से पहले नाका लगाकर जांच की और कार को रोका, तो तलाशी लेने पर पुलिस को 1 किलो हेरोइन में 3 लोगों और कार को कब्जे में लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हमने FIR नंबर 125 दर्ज की है और पुलिस स्टेशन सदर में, और इसमें 3 दोषी जो गिरफ्तार किए गए हैं, और वो जो उनकी जहां से डिलीवरी लेकर आए हैं वो कश्मीर से लेकर आते हैं, और जहां पंजाब में और दिल्ली बॉम्बे ऐसे आगे उनकी कॉन्टैक्ट्स हैं और वहाँ पे सप्लाई करते हैं। हमने 3 दोषी जो है अरेस्ट कर लिए हैं, और इनकी जो गाड़ी थी जिसमें ये ट्रैवल कर रहे थे उसको भी हमने कब्जे में ले लिया है। और 3 दोषी हैं, बैकग्राउंड इनकी पहले भी इनके ऊपर NDPS के पर्चे दर्ज हैं, और 3 ही दोषी जो है वो नशा करने के एडिक्ट हैं। करीब इनसे 1 किलो के करीब जो रिकवरी हुई है। होशियारपुर से आजाद TV न्यूज़ के लिए सुनील लाखा की रिपोर्ट।